दोस्तों, सिलीगुड़ी जिसे चिकन स्नैक और गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से वेस्ट बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर और इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण शहर है सिलीगुड़ी, क्योंकि इंडिया का ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसके साथ तीन देश के बॉर्डर्स लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सिलीगुड़ी को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, सिलीगुड़ी ऊंची ऊंची इमारत और सुंदर पर्वत के साथ हिमालय के गोद में बैठा हुआ एक शहर है। ये शहर मेनली जिस चीज के लिए फेमस है वो है टी, टूरिज्म, टिम्बर एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम टी की बात करें तो सिलीगुड़ी में बहुत बड़े बड़े चाय के बगीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, और सिलीगुड़ी के ये चाय वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। और ये बड़े बड़े चाय के बगीचे चाय के साथ साथ सिलीगुड़ी टूरिज्म का एक मुख्य केंद्र भी बन जाता है। अगर यहाँ टूरिज्म की बात करें तो टॉय ट्रेन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और ये टॉय ट्रेन अंग्रेजों ने 1879 से लेकर 1881 के बीच बनाया था, जब कोलकाता इंडिया का राजधानी हुआ करता था। और ये टॉय ट्रेन पहाड़ों के बीच से जाने के कारण अपने यात्रियों को एक खूबसूरत नज़ारा दिखाता है। और दोस्तों, सिलीगुड़ी के टिम्बर की बात करें तो सिलीगुड़ी का जो लकड़ी है वो पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कीमती लकड़ियाँ पाई जाती है जो कि देश विदेश में एक्सपोर्ट की जाती है। और इसके साथ अगर हम सिलीगुड़ी के लोकेशन की बात करें तो ये इंडिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसके साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा लगती है, इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत सारे आर्मी चेक पोस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। और अब जान लेते हैं सिलीगुड़ी को क्यों गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। दरअसल इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जिसे हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, अगर हमें वहाँ पर जाना है बाय रोड या फिर बाय ट्रेन तो हमें सिलीगुड़ी होकर ही जाना होगा, इसलिए सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। और साथ में गैंगटॉक, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाने के लिए भी सिलीगुड़ी ही एकमात्र रास्ता है। और हम सिलीगुड़ी के डेवलपमेंट की बात करें तो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का एक ट्विन सिटी है, और यहाँ का बागडोगरा एयरपोर्ट इंडिया का 17th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इसके साथ साथ सिलीगुड़ी में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स भी मौजूद है, जहाँ इलाज करवाने के लिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे कई देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी कभी सिलीगुड़ी गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।